नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा था। इसके पीछे का थोड़ा सा रीजन था कि दोस्तों मैं हेल्दी महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी कोशिश है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का सीएसआर नेट का रिजल्ट आ गया, बहुत सारे दोस्तों को बहुत अच्छी रैंक मिली है और बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिनने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करा बट दे मे नॉट सक्सीड। लेकिन मैं उनसे जरूर कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप अपने होप को मत छोड़ें और कंटिन्यूटी बरकरार रखें। डेफिनेटली आप लोग दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाले हैं। अगर आप कंटिन्यूटी छोड़ देंगे तो डेफिनेटली दोस्तों इस लेवल पे मैथमेटिक्स को ग्रैब करना इजी नहीं होगा। तो बिल्कुल माइंड को डेविएट मत करें और जम के तैयारी करें। डेफिनेटली दोस्तों आप पेपर में जरूर बहुत अच्छा करेंगे। दोस्तों शायद मैं अभी बहुत बेसिक्स में ये ले रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों कि शायद जितना टाइम है मेरी कोशिश रहेगी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो सीएसआर नेट में डेफिनेटली आते हैं उस सबको मैं कवर करने की भरपूर कोशिश करूंगा। और आप लोग अपना प्यार ऐसा ही बना के रखें, अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर करें, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसमें देखिए कहता है कि सिक्वेंस एंड सीरीज। देखिए हमेशा क्या होता है नेट में, यहाँ से दो क्वेश्चन तो हमेशा पार्ट बी में दोस्तों दो क्वेश्चन और कम से कम दो क्वेश्चन पार्ट सी में फिक्स रहता है। तो आप देख लें यहां से 6 मार्क्स का, और ये दोस्तों कितना हो जाएगा इसको ऐड करेंगे तो अराउंड आपका दोस्तों 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से दोस्तों बन जाते हैं। तो दोस्तों ये जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीक्वेंस सीरीज रियल एनालिसिस में। विदाउट आप रियल एनालिसिस को पढ़े हुए दोस्तों इस एग्जाम को डिफिकल्ट पास करना थोड़ा डिफिकल्ट है। जिनका भी लीनियर अच्छा है, अप्लाइड अच्छा है, मॉडर्न है, कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसका वेटेज काफी ज्यादा होता है। आपको पता है कि 60 to 70 मार्क्स का रियल एनालिसिस आ जाता है, ठीक है। चलिए बेसिक्स को पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग नेट के क्वेश्चन को भी करेंगे। देखिए कहता है सीक्वेंस होता है क्या है, पहले तो हम लोग एक बात समझ लेते हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। रियल वैल्यूड फंक्शन, आपको इसके बारे में क्या पता है कि ये क्या होता है दोस्तों कि सबसेट ऑफ रियल नंबर। इफ फंक्शन गोइंग फ्रॉम रियल सेट टू रियल सेट, ऐसे कह सकते हैं कोई भी ये सेट होगा वो किसका होगा दोस्तों, रियल नंबर का सबसेट होगा। तो इस टाइप के जो भी दोस्तों फंक्शंस होंगे वो हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। अब उसी रियल वैल्यूड फंक्शन को एक ये दूसरा नाम देना चाहता है सिक्वेंस। देखिए दोस्तों ये है हमारा फंक्शन गोइंग फ्रॉम नेचुरल टू रियल, इसमें फिक्स कर दिया जाता है कि नेचुरल मतलब काउंटिंग नंबर आपको चाहिए। रियल सीक्वेंस इज अ फंक्शन, सीक्वेंस दोस्तों है वो क्या होगा, एक फंक्शन होगा सच दैट दे आर कलेक्टिंग द इमेज। क्या करेगा दोस्तों, इमेज का कलेक्शन कर लेगा। जैसे एफ ऑफ वन पे यहाँ देख लीजिए इसके पास क्या क्या रहेगा दोस्तों, 1 2 3 डॉट, तो एफ इसका इमेज क्या होगा एफ ऑफ वन, है ना, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री डॉट, ऐसे करके क्या चाहेंगे दोस्तों पॉसिबल जितने रहेंगे एन के डिफरेंट वैल्यूज के लिए, तो सारे इमेज का हम लोग कलेक्शन करते हैं एंड दिस इज सिंपली नोन एज सीक्वेंस। दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। जैसे देखिए इसको फर्स्ट टर्म कह देंगे, इसको सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इस तरह से इसको बोलेंगे दोस्तों एन एफ टर्म, है ना। तो इसी को हम लोग आगे लर्न करने वाले हैं, एन एफ टर्म को एक इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे और वो किस टाइप से हमारा बिहेवियर रहेगा, कैसा दिखेगा, तो वो भी देखेंगे हम लोग। जनरली दोस्तों ऐसा माना जाता है, माना नहीं आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस इज इनफाइनाइटली मेनी, बट दोस्तों वो हो सकता है उसका रेंज स्पेस सर्टेन स्टेज पे जाके फिक्स हो जाए, लेकिन अगर काउंटिंग नंबर की बातें करें तो दे आर इनफाइनाइटली मेनी। दोस्तों देखिए रेंज ऑफ किसी सीक्वेंस का जो रेंज होगा दोस्तों वो क्या होगा, जस्ट सिंपल सी बात है कि ये सारे कलेक्शन ही रेंज होंगे, एफ ऑफ एन सच दैट एन बिलोंग्स टू दिस कोडोमेन स्पेस। So, इसको हमने एफ ऑफ एन को दोस्तों इस टाइप का, अगर एफ ऑफ एन रहेगा तो इसको हमने ए एन नाम दिया है, तो इस तरह से आप लोग लिख लें। बहुत बेसिक चीज है दोस्तों, बीएससी का है, और आप ये भी कह सकते हैं कि आईआईटी जेई में भी इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस दिखते हैं, ये तो वहां के लिए भी बहुत बहुत ईजी है। रेंज ऑफ एनी सिक्वेंस मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। दोस्तों यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अभी उतना हमारा इंपॉर्टेंट नहीं आया बट चीज को समझते जाते हैं।
कहता है किसी भी फंक्शन रियल सीक्वेंस का रेंज जो है दोस्तों वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। पहले तो आराम से समझते हैं कि मान लिया गया दोस्तों अगर हमारे पास कुछ ऐसा है सीक्वेंस ऐसा दे दिया 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आपको ये दिख रहा है कि क्या है ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, तो कैन आई राइट लाइक दिस वन, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो हाउ मेनी नंबर इन दिस सीक्वेंस दे आर इनफाइनाइटली मेनी, तो दोस्तों इसी ये हमारा पहला तो सीक्वेंस बन गया। इस तरह से आप लोग और भी सीक्वेंस ले सकते हैं, लाइक अगर मैं ये लिखूं -1 +1 -1 +1, इस तरह से आप लिख के चले जाएं तो आप एक इसको डिफाइन कर सकते हैं -1 to the power n when n equals to odd then it gives -1 and n equals to even then it gives +1, जो भी आपको डिसाइड डिफाइन करना है इस तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। मतलब अगर सिंपल सी बात करें तो उसका देखिए नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी इनफाइनाइट बट इसके रेंज में एग्जैक्टली 2 ही एलिमेंट्स रहेंगे जिसका नाम है +1। इसमें देखिए रेंज में कितना एलिमेंट्स था इनफाइनाइटली मेनी, इसमें कितना है फाइनाइटली मेनी 2 है। सो द रिजल्ट सेज द रेंज ऑफ सीक्वेंस मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। कभी कॉन्स्टेंट सीक्वेंस आप लेके चेक कर ले, ऐसे लिख के ऐसे भी कर सकते हैं फॉर ऑल एन, मतलब ये क्या है दोस्तों ये 1 1 1 1 है ना, इस टाइप का कलेक्शन कर लेगा, तो दे आर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स बट द रेंज ऑफ दिस सीक्वेंस इज सिंगल टर्म ऑन दैट इज फाइनाइट। तो यही इसका कहना है कि रेंज ऑफ सीक्वेंस दोस्तों फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सीक्वेंस। जैसे दोस्तों ये देखिए मैंने कॉन्स्टेंट सीक्वेंस लिया है जिसका रेंज 2 है दोस्तों, सिंगलटन 2 है, मतलब देयर आर एग्जैक्टली 1 एलिमेंट्स इन द रेंज स्पेस दैट इज फाइनाइट। इसको दोस्तों ऐसे 2 टाइम्स ऑफ -1 to the power n एंड फॉर ऑड इट बिकम्स +2 एंड देन फॉर ऑड n दोस्तों इट बिकम्स -2, सो वी हैव एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स इन द रेंज स्पेस दैट इज -2 to 2। तो दोस्तों इसकी काउंटिंग नंबर कितनी हुई 2, तो दैट इज फाइनाइट। दोस्तों इस तरह से अगर हम नेचुरल नंबर का कलेक्शन कर लेंगे तो दे आर कलेक्टिंग इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज फ्रॉम द रेंज स्पेस। तो यही है इसमें कि सीक्वेंस कैसा हो सकता है, सीक्वेंस का बिहेवियर कैसा रहेगा, फाइनाइट होगा इनफाइनाइट होगा। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा और भी हम लोग चर्चा करते हैं, थोड़ा समझ के आप लोग काम करें कि सीक्वेंस में जनरली क्या होता है, एक nth टर्म होता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म, जिसको tn से भी डिनोट किया जाता है। अब ये दोस्तों अलग अलग सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस, उसकी बात या सीरीज की बात उसको अभी नहीं कर रहे, थोड़ा अपना जो डायरेक्शन है दोस्तों वो हमारा अपना CSI नेट गेट IIT JEE की तरफ है। तो दोस्तों मेरी कोशिश है कि थोड़ा टाइप समझें सीक्वेंस के, जो टाइप हैं ज्यादा दोस्तों, बस 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा आज, स्टार्ट कर रहा हूं। टाइप ऑफ द सीक्वेंसेस, सीक्वेंस का टाइप क्या हो सकता है थोड़ा समझ लीजिए। जैसे पहला अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टेंट सीक्वेंस, तो ये बिल्कुल इजी वाला बात है। कॉन्स्टेंट सीक्वेंस का रेंज स्पेस क्या होता है दोस्तों, सिंगलटन होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये याद रखें रेंज स्पेस ऑफ कॉन्स्टेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज सिंगलटन। इसका उल्टा जब भी करेंगे दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन में तो वही प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। मतलब मेरा ये कहना है कि फंक्शन अगर दोस्तों उसमें हम लोग करते हैं कि कांस्टेंट है, तो हमेशा इसके रेंज स्पेस में सिंगल मतलब एक ही एलिमेंट रहेगा, जो भी होगा चाहे सी होगा तो सी हो जाएगा। लेकिन अगर इस उल्टा करते हैं कि रेंज स्पेस के पास अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है तो देन नेवर बी कांस्टेंट सीक्वेंस। हम लोग देखेंगे दोस्तों सिग्नम फंक्शन अलग अलग टाइप का। कॉन्स्टेंट सीक्वेंस क्या है दोस्तों, अगर मान लिया जाए आपने डिफाइन कर लिया लाइक कुछ भी कर लें 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, है ना, तो आपको दिख रहा है n के डिफरेंट n इक्वल्स टू 1 n इक्वल्स टू n इक्वल्स 3 के लिए सब के लिए क्या है दोस्तों कांस्टेंट सीक्वेंस है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इज सिंगल टर्म। तो इस तरह से आप लोग कांस्टेंट सीक्वेंस की बातें कर सकते हैं। फिर आगे दोस्तों हम लोग और भी बातें कर सकते हैं लाइक बाउंडेड सीक्वेंस, हम कह ले सीक्वेंस को हम लोग बाउंड कर दें, बाउंडेड सीक्वेंस। इसमें दोस्तों आप लोग कुछ भी ले सकते हैं लाइक बाउंडेड सीक्वेंस करेंगे, जैसे मैंने 1/n ले लिया, तो देखते हैं दोस्तों n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, 1 1/2 1/3 डॉट 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 0, है ना।
जीरो इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस लिमिटिंग केस में जैसे आप लोगों ने लर्न करा था दोस्तों, तो ये क्या है, वन इंक्लूड है बट जीरो एक्सक्लूड है, बट बाउंडेड बाय वन एंड जीरो, दैट्स व्हाई इट इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। कुछ और भी लेके आप लोग चेक कर सकते हैं, वन बाय एन स्क्वायर, वन बाय एन क्यू, ठीक है दोस्तों, ये सब किसका एग्जाम्पल है, बाउंडेड सीक्वेंस का है ना। और अगला टाइप देख लीजिए इसमें क्या अनबाउंडेड सीक्वेंस रहेगा तो क्या है, ये सब बिल्कुल इजी, बिल्कुल बेसिक्स बातें चल रही है, मैं ऐसा कुछ अभी बताया ही नहीं हूं जो आपको पजल करे। जैसे दोस्तों हम लोग कुछ लिख अनबाउंडेड सीक्वेंस पर तो इनफाइनाइटली मैंने एग्जांपल्स कुछ भी दे सकते हैं दोस्तों, ये क्या है वन टू थ्री, आप लोगों ने बाउंडेड अनबाउंडेड सेट पढ़ा था उसमें है ना, एक भी साइड से दोस्तों अनबाउंडेड है तो हम लोग अनबाउंडेड बोलते हैं, इसका मतलब क्या है वन, ये तो लोअर लिमिट तो मिल रहा है दोस्तों लेकिन ये कहां जा रहा है ना, अपर बाउंड इसका नहीं मिल रहा है, सो दिस इज अनबाउंडेड, क्या है दोस्तों अनबाउंडेड सीक्वेंस है। कुछ और लिख लीजिए, माइनस एन लिख लीजिए, तो दोस्तों माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री डॉट इस टाइप से ये बनेगा, तो आप ऐसा कह सकते थे लिख सकते हैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री डॉट, तो इसका जो क्या दिख रहा है दोस्तों कि माइनस इंफिनिटी से माइनस वन तक जा रहा है, तो ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड से अनबाउंडेड है, देयर इज नो लोअर लिमिट है ना, तो आपको एक इन्फिनिमम की जो बातें करते हैं दोस्तों वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सो दिस मे नॉट बी अ बाउंडेड, तो ये दोनों क्या है दोस्तों बाउंडेड सिक्वेंस नहीं रह जाएगा। साथियों कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं जो टाइप ऑफ सीक्वेंसेस में है, और डेफिनेटली दोस्तों ये सारी चीज आपके लिए एक कह सकते हैं कि फाउंडेशन तैयार करने के लिए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को तैयार करने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। जब भी हम लोग पी टेस्ट करेंगे, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट वगैरह करेंगे, अलग अलग डिफरेंट टेस्ट करेंगे, तो दोस्तों ये चीजें आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा समझने में कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सीक्वेंसेस है ना दोस्तों, तो वहां पे डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, चाहे हम लेबनीज टेस्ट पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग जो भी है वहां पे दोस्तों, कंडीशनली एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस में अभी बहुत सारा चीज दोस्तों आएगा जो डेफिनेटली आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। पहले आराम से समझ लीजिए, ये दोस्तों लिखा हुआ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, दिस रिप्रेजेंट्स इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इसके लिए क्या होना चाहिए कि f of n plus 1 is greater equals to fn for all n, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा बुकिश लैंग्वेज को छोड़ के हम लोग बात करें, क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब है कि हर एक अगला जो टर्म होगा, नेक्स्ट टर्म होगा, वो पहले वाले टर्म से या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, क्या मतलब है, इसका मतलब है दोस्तों कि वन ऑफ देम कंडीशन मस्ट बी होल्ड एट अ टाइम, या तो ये कंडीशन रहेगा या इक्वल रहेगा, ठीक है ना, तो जब भी दोस्तों ऐसा कंडीशन रहेगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, लेकिन वन ऑफ देम मस्ट बी होल्ड एट अ टाइम। दोस्तों यहीं पे एक चीज करेंगे कि जैसे ये रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज की बातें करेगा, किसी पॉइंट पे अगर इक्वल हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे कि दोस्तों वहां पे क्या हो जाएगा ये मतलब लेस और इक्वल टू की बातें करेगा, लाइक हम लोग कुछ ऐसा सीक्वेंस लेंगे ग्रेटर इक्वल टू जीरो है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का अर्थ है कि कहीं ना कहीं इक्वल हो जाना चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का मतलब है कि टर्म्स क्या होगा दोस्तों लेस होता जाएगा, अगला टर्म हमेशा पिछले टर्म से लेस होगा, तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा दोस्तों। ये है कि देखिए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला टर्म्स लगा देंगे, इक्वालिटी छोड़ देंगे, ये सिर्फ याद रखें। चलो दोस्तों इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि हाउ आर एग्जांपल कैन पॉलिश आवर थ्योरम, हमारे जो कॉन्सेप्ट को किस तरह से पॉलिश करा है। देखिए दोस्तों ये क्या लिखा है मैंने 111, तो आप गौर से देखें, अगर कोई बोलता है कि क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो नहीं, क्यों, क्योंकि इंक्रीजिंग के लिए भाई इंक्रीमेंट होना चाहिए, हर एक दूसरा टर्म पहले वाले टर्म्स के इक्वल है ना, तो ये क्या है दोस्तों अगर आप गौर से देखें तो ये लिखा हुआ है फॉर ऑल, मतलब ये इक्वेलिटी वाला जो कंडीशन है दोस्तों ये वाले में आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वेश्चन है कि इज दिस अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग, तो दोस्तों ये कांस्टेंट फंक्शन जो होता है कि नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है, तो इसके टर्म में आप लोग समझ लें
दोस्तों ये वाला सम सेम टर्म्स आप लोग ऐसे भी बोलेंगे, है ना, तो इक्वालिटी वाला कंडीशन आप रख सकते हो, वन ऑफ देम शुड बी पास एट अ टाइम। दोस्तों यहां से थोड़ा समझिए, यहां से ज्यादा आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि दोस्तों अगर ये लिखा हुआ है 1 2 3, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि देखिए ये क्या है, हर एक दूसरा टर्म पहले वाले टर्म से बड़ा है, हर एक दूसरा टर्म पहले वाले टर्म से बड़ा है, नेक्स्ट टर्म अपने प्रीवियस वाले टर्म से बड़ा हो, है ना, तो ये क्या है, इंक्रीज करता जा रहा है, आपको दिख रहा है इधर इज इंक्रीमेंट, तो इसी को बोलेंगे दोस्तों कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। बट व्हाई दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन नॉट बी पॉसिबल, मोनोटोन वर्ड नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इंक्रीमेंट स्टिप इंक्रीमेंट हो रहा है, कहीं ऐसा नहीं है कि जाके रुक गया है दोस्तों, है ना, तो स्टिपली निकले तो यहाँ पे है ना स्टिपली इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि इक्वालिटी तो कहीं आ नहीं रहा है। और दोस्तों अगर इसकी बातें करें, अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से लिखना स्टार्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगा। तो देखिए सबसे ये बड़ा टर्म है, उसके बाद लेस 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 होता जा रहा है ना, तो क्या हो रहा है दोस्तों, डिक्रीज हो रहा है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है, इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आगे बातें करते हैं। आप बोलेंगे सर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो थोड़ा अच्छा से समझा देते, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, जैसे मेरा ये कहना है दोस्तों, देखो 1 2 3 है, फिर मान लिया जाए ऐसा बनता जा रहा है 1 2 3, मान लीजिए कुछ इस टाइप से रहेगा, तो एक आपको एक फॉर्मेट मिलता जाएगा कि कहीं कहीं पे इक्वालिटी भी मिलेगा और इंक्रीजिंग भी मिलेगा, ठीक है। सो दे आर द मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और कुछ एग्जांपल्स दोस्तों एक लेते हैं, बातें आपको समझ में आ गई होगी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है। हाँ एक चीज और समझ लीजिए, एक रिजल्ट है, इजी है रिजल्ट, कभी कभी यूज हो जाता है। मान लिया जाए दोस्तों कि इफ एन जो हमारा सीक्वेंस है, अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, देन एन में दोस्तों अगर हम माइनस लगा देंगे, या आप ऐसा कह लें माइनस इस टाइप का अगर हम करते हैं, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगा। बहुत ही बेसिक छोटी बात है, ज्यादा बड़ा समझाना नहीं है। लेट एन बी अ सीक्वेंस लाइक एन, दोस्तों ने ले लिया, सो इट इज व्हाट द कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर, इसको माइनस कर दें आप, या माइनस एन टाइम्स कर दे जो आपको अच्छा लगे, ऐसे कर लें आप लोग, लैम्डा टाइम्स करके ऐसे कर लें दोस्तों, क्या हो जाएगा, माइनस एन का कलेक्शन हो जाएगा। सो कैन आई राइट -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो रहा था दोस्तों, इंक्रीमेंट हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, माइनस वन से छोटा ये है, हा? तो -1 is lesser than -2, -1 is greater than -2, तो मतलब ये सबसे बड़ा है, उसके बाद सब छोटा होता जा रहा है, तो ये क्या है दोस्तों, डिक्रीज। सिंपल सी बात है, ये डिक्रीजिंग होता तो ये इंक्रीजिंग हो जाता मेरे मन से, तो दोस्तों इसमें इफ एंड ओनली इफ कंडीशन चलना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा होगा अगर ये कंडीशन होगा तो ये हो जाएगा, तो ये दोस्तों ये कैरेक्टराइजेशन है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। दोस्तों अगले क्लास में हम लोग थोड़ा सा लिमिट पॉइंट ऑफ अ फंक्शन लर्न करेंगे, बोल्जानो स्ट्रेस थ्योरम, और लिमिट पॉइंट में क्या डिफरेंसेस है, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस वगैरह हम लोग दोस्तों उसमें लर्न करेंगे, जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट, इफ एनी सीक्वेंस डज नॉट हैव अ यूनिक लिमिट पॉइंट, मतलब दे मे हैव अ मोर देन वन लिमिट पॉइंट, तो हमारा जो सीक्वेंस है व्हाई इट इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। तो हम लोग इस नोशंस को अच्छे समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ द कन्वर्जेंस इन द लिमिट इन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस, ठीक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि बहुत ज्यादा मैंने कुछ करवाया नहीं, लेकिन जो भी होगा सिंपली दोस्तों कि आप बिगिनिंग इनिशिएट करने के लिए ये था। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छा से समझ में आया होगा, यहां तक मैंने कुछ ऐसी बातें नहीं करा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दोस्तों कल मिलेंगे, और यहाँ से हमारा लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, और यहाँ से इम्पोर्टेंट लिमिट कन्वर्जेंट दोस्तों हमारा ये रहेगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और जितने भी रिजल्ट्स हैं दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी कि हार्डली 20 मिनट्स का वीडियो बनेगा, और डेफिनेटली दोस्तों यहाँ से आपको इन्हेंस होने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी नेट के आपको दिखेंगे। सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर फ्रेंड्स हु आर अपीयरिंग इन द नेक्स्ट
दिसंबर दिसंबर तो नहीं कह लें दोस्तों, जून में ही होगा, अब प्रोबेबली जून में ही पेपर होना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं, अपने पेशेंस को बरकरार रखें और अपने रिदम को छोड़े मत। अगर कंटिन्यूटी छूट गया तो डेफिनेटली दोस्तों आपको डेफिनेटली आप क्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। जिस लेवल पे दोस्तों सीएसआर नेट लेवल पे बातें चलती है, उसके जो रिजल्ट्स यूज होते हैं, यू आर ओनली व्हेन यू कैन यूज द रिजल्ट ऑफ द पर्टिकुलर थ्योरम, और किसी भी चीज का दोस्तों रिजल्ट आप तभी यूज कर सकते हैं जब उस थ्योरम को सही से अप्लाई करना आप सीखेंगे, है ना। जैसे भी बहुत सारा, जैसे हम लोग इसी में डिफरेंट टेस्ट की बातें करेंगे, इस तरह से भी मॉडर्न अलजेब्रा में दोस्तों हमारा पार्ट वन खत्म हुआ है, सब ग्रुप हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट क्लास में कि साइलो पैकेज लेके आऊं और वहां पे सब ग्रुप का कितना रोल है, है ना। हमेशा ही क्वेश्चन में आता है दोस्तों साइलो पैकेज से, तो मेरी कोशिश रहेगी बहुत सिंपल वे में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया जाए। और मेरी कोशिश रहेगी कि सिर्फ सीएसआर नेट को टच करते चलें, उसके क्वेश्चंस को लेके चलें और हमारा माइंड डेविएट ना हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग, एंड ऑलवेज इस तरह से प्यार बना के रखें और हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखें, ठीक है ना। कभी भी नेगेटिव थॉट अगर डेवलप होता है तो कहीं ना कहीं आप यूट्यूब अलग अलग गूगल्स के माध्यम से मोटिवेशनल स्पीकर को आप फॉलो कर सकते हैं, बट हमेशा ही एनर्जेटिक बने रहें, अपने आप को अगर मेहनत करेंगे तो हमेशा ही मन में एक आशा रहेगा कि यस वी हैव समथिंग, है ना। और इसी चीज को ग्रैब करते जाएंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आप लोग बहुत इनहेंस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का वीडियो एंड करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर करेंगे, हमेशा मस्त रहें और जीवन के प्रति हमेशा उत्साहित रहें, मेहनत करते रहें और जितना नॉलेज आप कंटेन कर सकते हैं करें, क्योंकि ये बाद में यही नॉलेज आपको बहुत ही ज्यादा काम देने वाला है। सो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियोज एंड करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियोज में।